हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर एजुकेशन निकेतन के द्वारा जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, उसमें जो डेली का बेस्ट उत्तर होता है वो हम आपके साथ साझा करते हैं। आज का हमारा प्रश्न है कि भारत द्वारा अपने किसानों को MSP प्रदान करने पर जोर देना अक्सर वैश्विक नाराजगी का कारण बनता है। विश्व व्यापार संगठन ने भारतीय स्थिति के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिए। पहले हिंदी माध्यम का जो बेहतर उत्तर है इस प्रश्न का वो आपके साथ साझा कर रहा हूँ। भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था माना जाता है, जहाँ लगभग 54 से 55% व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि एवं संबंध उस कृषि से संबद्ध रोजगार में जुड़े हुए हैं। वहीं GDP में इसका योगदान 14 से 16% या 17% के बीच में वैरी करते रहता है। इस कड़ी में भारत सरकार फसल उत्पादन को प्रोत्साहन, किसानों के विकास, कृषि आय दुगनी करने, समावेशी विकास एवं समतामूलक समाज के निर्माण हेतु कृषि से जुड़े 23 फसलों पर MSP प्रदान करती है। अब चाहें तो उतना लिखने के बाद दो टेबल फॉर्म में डेटा को एडजस्ट कर सकते हैं। डेटा को कभी साइड में नहीं रखें जैसे इन्होंने रखा है। पहले पैराग्राफ के जस्ट नीचे में आप डालें उसे। वर्कर पार्टिसिपेशन 1991 में जहां 64% था, 2011 में 55% और 2018 में लगभग 42% हो गया है। GDP में योगदान की बात करें अगर सेक्टर वाइज, तो कृषि का योगदान लगभग 2017-18 वर्ष में 17% था। MSP कृषि मूल्य गिरावट से किसानों की रक्षा, इसके बाद बुआई से पूर्व भी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों पर भारत सरकार MSP की घोषणा करती है। MSP के निर्धारण में भारत सरकार निम्नलिखित चीज़ों को ध्यान में रखती है, यानी जो MSP की निर्धारक घटक है वो मांग एवं आपूर्ति, उत्पादन की लागत, घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फसल का मूल्य, MSP निर्धारण में वृद्धि उपभोक्ता पर प्रभाव। अब जो MSP की गणना की जाती है वो तीन आधारों पर की जा सकती है। जो सबसे सिंपल होता है वो A2 होता है, इसमें किसानों को जो लागत मूल्य होता है उसकी गणना की जाती है। किंतु इसमें जो पारिवारिक श्रम होता है और भूमि एवं अचल संपत्ति का किराया एवं ब्याज होता है उसे शामिल नहीं किया जाता है। दूसरा होता है A2+FA, यानी कि जो सामग्री यूज होती है वह प्लस जो पारिवारिक श्रम है वो दोनों को शामिल किया जाता है। और तीसरा मेथड होता है C2, जिसमें A2+FL के अलावा भूमि एवं अचल संपत्ति का किराया एवं ब्याज भी शामिल किया जाता है। यानी MSP की जो गणना की पद्धति है उसे आप संक्षेप में बता सकते हैं। फिर इन्होंने एक फ्लो चार्ट के माध्यम से MSP के महत्व को बताने की कोशिश की है कि भारत सरकार MSP क्यों प्रदान करती है, इसका महत्व क्या है। अब इसके बाद इन्होंने विश्व व्यापार संगठन यानी WHO के बारे में बताया है कि विश्व व्यापार संगठन की बात करें तो यह एक वैश्विक स्तर पर व्यापार को प्रोत्साहित एवं निगरानी करने वाला प्रमुख संगठन है, जिसका निर्माण गेट के स्थान पर उरुग्वे दौर की वार्ता के पश्चात 1995 में किया गया था। इसमें वर्तमान में 164 सदस्य हैं। मार्केस समिट का भी उल्लेख आप कर सकते हैं। यह संगठन एग्रीकल्चर ऑन एग्रीमेंट के तहत फसल संबंधी 3 प्रकार का समझौता किया है, जिसे सभी देशों को पालन करना होता है। अब 3 तरह के WTO के बॉक्स हैं, उन तीनों बॉक्सों का उल्लेख करेंगे। ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स और अम्बर बॉक्स। जो ग्रीन बॉक्स होता है उसमें बेसिकली पर्यावरण से संबंधित या रिसर्च या एनालिसिस से संबंधित, आपदा से संबंधित जो सब्सिडी दी जाती है उसे रखा जाता है। इसके बाद जो ब्लू बॉक्स है उसमें कृषकों के उत्पादन में मात्रात्मक कमी लाकर गुणवत्ता बढ़ाने पर जोर दिया जाता है। और जो तीसरी कड़ी है जिसको लेकर विवाद है, बेसिकली यह विवादित बॉक्स है, इसी में जो सब्सिडी प्रदान की जाती है और भारत का जो विवाद है मुख्यतः अंबर बॉक्स को लेकर ही है।
अब बेसिकली जो बोन ऑफ कंटेंशन है वो भारत का कहना है इसमें कि जो इसके लिए बेस ईयर का यूज किया जाता है वो 1986-87 किया जाता है, जब से अब तक की महंगाई के कारण परिस्थितियां काफी बदल चुकी हैं, यानी भारत का जो आपत्ति है वो बेस ईयर को लेकर है। भारत की बात करें तो अमेरिका द्वारा गेहूं पर, ऑस्ट्रेलिया एवं ब्राजील गन्ना पर, जापान एवं पाकिस्तान को लेकर विश्व व्यापार संगठन में शिकायत दर्ज कराई गई है। वह अपने उत्पादन पर 50 से 72% तक वर्तमान में सब्सिडी प्रदान पर विश्व बाजार में स्थित कर रहा है। जो विभिन्न देशों की आपत्तियां हैं उन्होंने इस फ्लो चार्ट के माध्यम से दर्शाया है। अब भारत जैसे अन्य विकासशील देशों को पीस क्लॉज के रूप में कुछ छूट प्रदान की गई है कुछ समय के लिए। कुछ चीजें हैं जिसका आपको उल्लेख जरूर करना है, यानी एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, पीस क्लॉज, 3 जो WTO के बॉक्स हैं उन बॉक्स का मतलब क्या है, MSP भारत में क्यों लाया गया, MSP से फायदे क्या हैं, इसके बाद आप भारत के पक्ष को और मजबूत से रखेंगे कि विकासशील एवं अविकसित देशों का दायित्व तो है कि वो अपने यहाँ रहने वाले लोगों को जीवन आधार भोजन को उपलब्ध कराएं। विश्व की 83% गरीबी एशिया क्षेत्र में निवास करती है, जिसमें 16% भारत में निवास करती है। दोहा राउंड का आप उल्लेख करेंगे तो दोहा राउंड के वार्ता में जो बातें कही गई थी उस पर पालन होना चाहिए। कृषि सब्सिडी कुल्लू, अब भारत को भी कृषि सब्सिडी को लक्षणमुखी बनाकर सनसेट क्लॉज लागू करते हुए सब्सिडी को क्या करना चाहिए, थोड़ा रेशनल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और अंत में आप एक संतुलित निष्कर्ष लिखेंगे और लिखेंगे कि भारत को कोशिश करनी चाहिए कि WTO के जो भी विवाद हैं उसका निपटान जल्द से जल्द किया जाए और कृषकों की जो 2022 तक आय दुगनी करने का लक्ष्य रखा गया है उसको पूरा किया जाए। जो 23 चीज़ें शामिल की गई हैं MSP के लिए, अगर आप चाहें तो इस तरह के चार्ट बनाकर उसमें दिखा सकते हैं कि उसमें 14 जो हैं वो खरीफ क्रॉप हैं, 6 जो हैं रवि क्रॉप हैं और 3 कॉमर्शियल क्रॉप हैं, और उसमें जो आपका शुगर केन है यानी जो ईख है उस पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात ना कर फेयर प्राइस की बात की गई है, FRP उसे बोलते हैं, तो इस चार्ट को आप बना सकते हैं। उत्तर लेखन में आप जितना ज़्यादा माइंड मैप का प्रयोग करेंगे उतना आपका उत्तर आकर्षक होगा और औरों की तुलना में आपके अंक अधिक आने की संभावना उतनी ही ज़्यादा रहेगी। अगर आपको लगता है कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों को हिंदी माध्यम के बच्चों की तुलना में अधिक अंक मिलता है तो आप उनके उत्तर और हिंदी माध्यम के उत्तर में तुलना भी कर सकते हैं कि आखिर क्यों ऐसा होता है, क्योंकि परीक्षक को किसी माध्यम पर अंक नहीं देने होते हैं बल्कि जो उनके पास उपलब्ध विषय वस्तु होती है, सब्जेक्ट मैटर होती है, उसी पर अंक देने होते हैं। आप देखेंगे तो इन्होंने कोई भी ऐसा पहलू नहीं है जिसको इन्होंने छोड़ा होगा, हर एक पहलू और हर एक तकनीकी पक्ष को इन्होंने अपने उत्तर में शामिल किया है। आप भी इस तरह के कॉपियां देखना चाहते हैं, इसके PDF पाना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे यानी कि कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक पोस्ट कर दी गई है, आप वहां से इस चैनल से जुड़ सकते हैं। इस ग्रुप में लगभग 250 बच्चे जुड़ चुके हैं जिसमें 30 से 35 बच्चे डेली अपने उत्तर का मूल्यांकन करवाते हैं लिखकर। तो आप भी चाहें और 66वीं BPSC की मुख्य परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं या 67वीं BPSC के आप अभ्यर्थी हैं तो अभी से ही उत्तर लेखन का डेली उत्तर लेखन का प्रयास कर सकते हैं, जिससे आपकी लेखनी में अभी से ही सुधार शुरू हो जाए। और आप जब अच्छी कॉपियों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आखिर जो बेहतर उत्तर है वो किस प्रकार से लिखा जाता है। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगे तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।